जय हिंद दोस्तों, कैसे आप। हमने पिछली क्लास में देखा, हमने जो पढ़ा अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, भूकंप कैसे आता था, किस इलाकों में आता था, फोकस क्या था, एपिसेंटर कैसा था, कहाँ कहाँ आ रहा था, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से जो हमारा भूकंप अर्थक्वेक आ रहा था वो आ रहा था, किस वजह से आ रहा था या कौन कौन सी प्लेटों की वजह से आ रहा था। फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा कि पास आने वाली प्लेटों को क्या कहा जा रहा था, दूर जाने वाली प्लेटों को क्या कहा जा रहा था, एक दूसरे से सबके प्लेट चलने वाली थी उन्हें क्या कहा जा रहा था। जो आज हम पढ़ने आ रहे हैं वो है टॉपिक वॉल्केनो। वॉल्केनो जो हम पढ़ेंगे, वॉल्केनो में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे है क्या, मतलब क्या वॉल्केनो का। फिर दूसरा देखेंगे कारण क्या है, कारण क्या है। कारण के बाद देखेंगे कि प्रकार, टाइप, किस किस टाइप के होते हैं। प्रकार देखने के बाद देखेंगे जैसे स्थलाकृतियां बननी थी, जो लैंडफॉर्म बनने थे, वॉल्केनो के द्वारा भी कुछ लैंडफॉर्म बनेंगे, वो भी देखेंगे। लैंडफॉर्म देखेंगे और अंत में देखेंगे विविध मतलब जो भी फैक्ट हो जाएंगे वो देखेंगे। अब देखते हैं कि वॉल्केनो है क्या। जो वोल्केनो है वो अगर देखा जाए पीजी वॉर्सेस्टर, पीजी वॉर्सेस्टर ने बताया कि वोल्केनो क्या होता है। उन्होंने बोला कि जो वोल्केनो है उसका मतलब ये है कि एक छोटे से सर्कुलर होल, ठीक है, गोल छिद्र से क्या होता है कि जो नीचे का मैग्मा है वो सर, जैसे ये है एक छोटा सा छिद्र है, ये इस तरीके से मान लीजिए ये एक छिद्र है। अब जो नीचे है अगर वो धरातल के नीचे है तो उसे बोलेंगे हम मैग्मा, और बाहर आ गया तो उसे बोलेंगे लावा। ठीक है, धरातल के नीचे है, सरफेस के नीचे है तो उसे मैग्मा, सरफेस के ऊपर है तो उसे लावा। तो मैग्मा जो था गोल छिद्र के द्वारा बाहर आ गया है, इसे बोला गया ज्वालामुखी, हिंदी में ज्वालामुखी और इंग्लिश में वॉल्केनो, पीजी वॉर्सेस्टर के द्वारा। अब अगला जो हमें इसमें पढ़ना है ज्वालामुखी में वो है कारण। कॉज, ये ज्वालामुखी आया कैसे ये बताओ, ज्वालामुखी की हो क्यों रहा है, ये ज्वालामुखी का काम क्या है, क्या मतलब है, ज्वालामुखी बन कैसे गया। आपने ये तो बता दिया होता ये है, अब ये तो बताओ किसके काम क्या है, ज्वालामुखी का काम क्या है। अगर हम पहला देखें तो क्या था कि जैसे सरफेस है इसके नीचे मैग्मा है, अगर नीचे का टेम्परेचर अधिक बढ़ गया है, जैसे मैग्मा है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसकी वजह से ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने की वजह से बाहर को जाने की कोशिश करेगा, बाहर को जाने की कोशिश करेगा तो सरफेस से होके निकल जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, वोल्केनो बोला जाएगा। मतलब इंक्रीज ऑफ इनर टेम्परेचर, आंतरिक तापमान में वृद्धि। ये क्या होता है कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, 32 डिग्री मीटर पे, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक तो कारण ये होता है ज्वालामुखी का कि इनर टेम्परेचर सरफेस के नीचे का टेम्परेचर बढ़ गया है, जिस वजह सरफेस थोड़ी बाहर आ गया उसे बोल दिया ज्वालामुखी। दूसरा एक हो सकता है कारण, अभी सारी प्लेट किनारा हो, अभिसारी प्लेट
किनारा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये भी इस गति में मूव कर रही है, ये भी इस गति में चल रही है, प्लेट ए प्लेट बी। तो क्या होगा जब दोनों एक तरफ चल रही हैं, एक तरफ जो है वो टोयोटा है और एक तरफ जो है ऑल्टो है, जब दोनों एक तरफ की तरफ चल रही है तो एक का तो अंचर पंचर होना तय है, एक नीचे चली जाएगी एक ऊपर उठ जाएगी, वही हिसाब है। जो भारी प्लेट थी वो नीचे चली गई, जो हल्की प्लेट थी ऊपर उछल गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पे जो है जब मैग्मा वाले इसमें पहुंच गए तो मैग्मा ने इस प्लेट को गला दिया, गलाने के बाद ही मैग्मा ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंचा जहां से प्लेट कमजोर देखी वहां से निकल गया बाहर। तो ये क्या हुआ, वोल्केनो की कंडीशन हो गई। एक तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, अभिसारी प्लेट किनारा। और तीसरा हो सकता है प्लेट का कमजोर होना, प्लेट का कमजोर होना। जैसे एक प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, इसकी थिकनेस जो होती है बहुत कम होती है, लगभग 5 किलोमीटर होती है, वो कहीं कहीं इससे भी कम हो जाती है इसकी थिकनेस। तो अब मान लो कहीं पे ये कमजोर पड़ गई है तो क्या करेगा, लावा वहीं से तोड़ के उसे बाहर आ जाएगा और क्या बना लेगा, ज्वालामुखी। तीसरा कारण तो ये हो गया, ठीक है। अब चौथा कारण क्या हो सकता है कि ओशियनिक प्लेट महासागरीय प्लेट प्लस वाटर। अब ये क्या है, आप कहोगे भाई ये क्या माजरा है, ये समझ में नहीं आया। जैसे ऐसा था कि प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों महासागरीय प्लेट है, तो यहां महासागर है या ओशियन है, तो इसका पानी अंदर चले गया ऋषि के। जब ऋषि के पानी अंदर चले गया तो क्या हुआ, जब नीचे गया तो इसने भाप से गैस जैसा रूप ले लिया। लिक्विड को जब चाय बनाते हो, पानी गर्म करते हो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाता तो उबल के ऊपर होना शुरू हो जाता है, वही वाला हिसाब ये है। नीचे मैग्मा है गर्म गर्म, ये नीचे आए, इन्हें से भाप बना दिया, वाटर वेपर बना दिया, जब फिर ऊपर एक्सपेंड होने शुरू हुई गैस, जब ये एक्सपेंड होने शुरू हुई तो इसके नीचे का जो तापमान था, सरफेस के नीचे का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इसने प्लेट को उठा दिया। अब प्लेट को उठाया तो लावा बाहर आ गया, उसकी वजह से क्या बन गया, ज्वालामुखी। तो कारण क्या क्या हुए, हमारे चार कारण हुए, और भी कारण हो सकते हैं, बहुत से छोटे मोटे कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण यही है कि एक तो उसके जो आंतरिक भाग है उसका तापमान बढ़ गया हो, दूसरा डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, अभिसारी प्लेट किनारा एक दूसरे के पास आई, टकराई हो, एक नीचे पहुंच गई, मैग्मा ने उसे गला दिया, गलाने के बाद बाहर आ गया। तीसरा प्लेट का कमजोर होना, अगर प्लेट कमजोर हो रही है तो उसके द्वारा भी ज्वालामुखी आ सकते हैं। चौथा है ओशनिक प्लेट और वाटर का के बीच की केमिस्ट्री, ठीक है, इसका मतलब कि दोनों के बीच में जो चीजें हो रही है उसकी वजह से। अब देखते हैं कारण हो गए पूरे, अब देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार कितने तरह के होते हैं। ऐसा आपने सुना होगा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ऐसे ऐसी चीजें सुनी होंगी। फिर आपने सुना होगा कि भाई ये इस तरीके का है, ये हवाई तरीके का ज्वालामुखी है, ये इस तरीके का है, ये विश्वबीएस है, इस तरीके सुना होगा। ये है क्या, दो तो हेडिंग डालते हैं
ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप ऑफ वॉल्केनो, इसमें दो देखना, टाइप ए टाइप बी। अब क्या मतलब, जैसे देखो क्या होता है कि दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है कि दो तरह के इंसान होते हैं तो उसमें बताया, जैसे मान लो किसी को तो किसी पे गुस्सा आ गया, किसी ने किसी के थप्पड़ फेर दिया, फिर उसे गुस्सा आ गया। अब वो बोलेगा कि भाई इस बच्चे का जो गुस्सा है, मतलब बच्चे को जो गुस्सा है, इस बच्चे का गुस्सा ऐसा है कि इसका गुस्सा जो है एकदम से आग बबूला वाला गुस्सा है, एकदम से शांत नहीं होता। और एक दूसरा तरह का बच्चा था, किसी किसी का गुस्सा ऐसा होता है कि भाई इसका गुस्सा तो कुछ समय बाद शांत हो जाता है, एक होता है ऐसा गुस्सा ही नहीं आता कुछ भी कर लो। अब एक तरीका ये होता है एक जने का कि भाई ये तो उसकी ऐसी हरकतें करता है, गुस्सा आ जाएगा तो उसकी ऐसी हरकतें करेगा, ये उसकी ऐसी हरकत करेगा, ये उसकी ऐसी हरकत करेगा। तो कहने का क्या मतलब, उसी तरीके से ज्वालामुखी को बांट दिया गया। एक तो तरीका ये बांटने का हो गया कि जब ये फटेगा, ज्वालामुखी मतलब गुस्सा, अगर आम भाषा में से कहें तो गुस्सा ज्वालामुखी, अगर वो फटेगा ब्लास्ट हो गया उसमें, तो पहले ये आता है कि उसमें ब्लास्ट किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और दूसरा आएगा कि कितने कितने समय पे ब्लास्ट हो रहा है इसके अंदर। तो इसी आधार पे हम जो है दो तरीके में बांट देते हैं, ठीक है। एक तो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल ऑफ इरप्शन, एक ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिटी ऑफ इरप्शन। मतलब जो पहला है उसमें हम करते हैं उद्गार की प्रकृति के अनुसार, और दूसरा उद्गार की अवधि के अनुसार। उद्गार की प्रकृति के अनुसार, उद्गार की अवधि के अनुसार, इंग्लिश में बोलेंगे उसे मॉडल ऑफ इरप्शन, और इसे बोलेंगे उद्गार की अवधि के अनुसार बोलेंगे इसे अवधि मतलब पीरियड, पीरियडिसिटी ऑफ पीरियडिसिटी इरप्शन। उद्गार की प्रकृति के अनुसार, उद्गार की अवधि के अनुसार। प्रकृति मतलब किस स्वभाव का है, एक चीज होती है कि इंसान किस स्वभाव का है, एक होती है कि भाई कितना टाइम लेता है स्वभाव में आने, स्वभाव बदलने में। कुछ होते हैं ना कि भाई मैं इस तरीके का इंसान हूं लेकिन कंडीशन बदली वो भी बदला, वो हिसाब है। वॉल्केनो दो तरीके के होते हैं, उद्गार की प्रकृति के अनुसार, उद्गार की अवधि के अनुसार, उद्गार की प्रकृति के अनुसार, उद्गार की अवधि के अनुसार। तो इसमें पहले जो देखेंगे वो देखेंगे हम उद्गार की प्रकृति के अनुसार। तो देखते हैं कि जो ज्वालामुखी है, अगर उसके देखें कि वो फटने की जो प्रवृत्ति है, मतलब मॉडल ऑफ इरप्शन, कि वो उसमें से इरप्शन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से उसमें से लावा निकल रहा है, देखें इसके बेसिस पे देखें तो हम दो तरीके से बांट देते हैं इस पे। सेंट्रल इरप्शन टाइप, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, फिशर इरप्शन, दो टाइप में बांट देते हैं। मतलब एक इस तरीके से होगा, ज्यादातर लोग इसी शेप को जानते होंगे। इसमें से अगर ज्वालामुखी फटा है तो उसे बोल देंगे सेंट्रल इरप्शन टाइप, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। और अगर जैसे ये एक सरफेस है, इसमें क्रैक पड़ा, जैसे एक सरफेस है इसमें क्रैक पड़ा, इसमें से ज्वालामुखी आया, लावा इस तरीके से फ्लो करा, इस तरीके से फ्लो करा, तो इसे बोलेंगे दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, फिशर इरप्शन, ठीक है। तो दो तरह के हुए, एक तो ये हुआ कि एक वेंट मतलब एक छिद्र है,
गोल उसमें से एक होता दरार जैसी है, उसमें से मैग्मा बाहर आया है। ठीक है, तो देखते हैं जो सेंट्रल इरप्शन टाइप केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी हैं, ये मुख्यतः पांच तरह के माने जाते हैं। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन टाइप वॉल्केनो, विषुवीयस ज्वालामुखी, विषुवीयस तुल्य ज्वालामुखी, वॉल्केनियन वॉल्केनो, वॉल्केनो वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, हवाई वॉल्केनो, हवाई टाइप वॉल्केनो, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रम्बोलियन टाइप वॉल्केनो, और जो दूसरे टाइप का है वो फिशर इरप्शन का है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें पिलियन ज्वालामुखी तो ये सबसे खतरनाक होते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं। ये खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि इनका लावा जो होता है, जो पिलियन टाइप के ज्वालामुखी, इनका लावा जो होता है बहुत ज्यादा गाढ़ा, विस्कस, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। जब भी गाढ़ा होता है ये ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, तो इसके सामने कुछ भी आ जाए उसे अपने अंदर संभाल लेगा, क्योंकि इसका लावा बहुत ज्यादा गाढ़ा है। इसका पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है, इसका जो लावा है बहुत ज्यादा गाढ़ा है, जिसकी वजह धीरे धीरे चलता है, लेकिन हर किसी चीज को डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है। ठीक है, इसी के टाइप का एक ज्वालामुखी है जो था क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। ये इंडिया है, इंडिया बाद मलेशिया, उसके नीचे आता है ज्वाल इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब आते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी था क्राकाटोआ। क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी था उसमें इरप्शन हुआ था 1883 में। 1883 में जब यहां पे हुआ था तो इरप्शन हुआ था, तो इसका जो लावा था बहुत ज्यादा गाढ़ा था, तो इसने 1883 की बात है तो बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं विषुवीयस। विषुवीयस ज्वालामुखी, विषुवीयस ज्वालामुखी, विषुवीयस ज्वालामुखी, ये थोड़े कम खतरनाक होते हैं। ये थोड़े कम खतरनाक होते हैं, क्या मतलब है इसका कम खतरनाक होते हैं? जब इसमें इरप्शन होता है ना, जब ये फटता है, जैसे ये वॉल्केनो है, जब ये फटा तो जो इससे पदार्थ निकले ना विषुवीयस ज्वालामुखी से, तो वो एक ऐसी संरचना बनाते हैं गोभी जैसी। कॉलीफ्लावर जैसी संरचना बना लेते हैं विषुवीयस ज्वालामुखी। ठीक है, एक ज्वालामुखी जिसका नाम है विषुवीयस वॉल्केनो, वो मेडिटेरियन ओशियन भूमध्य सागर में है। जैसे ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, जो बीच में ये जगह जो है ये ओशियन है, जिसे बोला जाता है मेडिटेरियन ओशियन भूमध्य सागर। तो जो विषुवीयस वॉल्केनो है वो इस भूमध्य सागर में स्थित है। इसके बाद आता है वॉल्केनियन वॉल्केनो, वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, एक ज्वालामुखी है वॉल्केनियन वॉल्केनो, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। अगला आ जाता है हवाई। अगला आया था हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी ये क्या होता है कि जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये एशिया वाला हिस्सा हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये है हमारा प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन। तो एक द्वीप है जिसे कंट्रोल यूएसए करता है। यहां की करेंसी जो है वो डॉलर है, इसे कंट्रोल कौन करता है? यूएसए करता है। हवाई द्वीप है,
यहाँ पे जो ज्वालामुखी है, जो जिस टाइप के ज्वालामुखी है उन्हीं के नाम पे पड़ा है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई टाइप वॉल्केनो। यहाँ पे दो ज्वालामुखी है, मोनालोवा कलायु, मोनालोवा कलायु, दो ज्वालामुखी है मोनालोवा और कलायु, ये कहां पे है? हवाई द्वीप में। इसके बाद आ जाता है मोनालोवा कलायु, ये है हवाई पे। इसके बाद आ जाता है स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रम्बोली टाइप वॉल्केनो। ये क्या है कि जो इटली का लेपारी द्वीप है, इटली पे एक लेपारी द्वीप है, इटली है, इटली जैसे ये मेडिटेरियन ओशन ओशियन है, भूमध्य सागर है, ये है इटली, ये देश जो है यहाँ पे, ये इटली है। इटली जो है इसका एक द्वीप है, ठीक है, एक द्वीप है, इसका क्या नाम है? इसका है लेपारी नाम है। इसका लावा बहुत ज्यादा पतला है, स्टम्बोली जो वोल्केनो है इसका लावा जो है बहुत ज्यादा पतला है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो इरप्शन होता है, इसमें जो विस्फोट होता है वो हर 15 मिनट बाद होता रहता है, लगभग 15 मिनट बाद इसमें विस्फोट पट 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 करके विस्फोट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हर 15 मिनट बाद विस्फोट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। तो ये हर 15 मिनट में विस्फोट हुआ, चमकने जब निकलेगा रात में विस्फोट हुआ, ठीक है, लावा गरम गरम है तो दूर से चमकेगा, ऐसा लगेगा कभी लाइट उड़ रही है हवा में, जब ऐसा लगेगा तो ये ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि दूर कहीं लाइट का एक लैंप हो। जब आप यहां से गुजरोगे, यहां मान लो वोल्केनो फट रहा है, तो दूर से ऐसा लगेगा कि यहाँ लाइट जल रही है, जैसे जो पहले डिबिया जलती थी वो डिबेट पर रखी जाती थी, दूर से दिख जाती थी, वही वाला हिसाब इसका है। तो इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रम्बोली जो वोल्केनो है, इसे बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन ओशियन, इसे बोला जाता है प्रकाश स्तंभ। क्यों? क्योंकि इसमें इरप्शन, रेगुलर इरप्शन होता रहता है, जिसकी वजह से जो रोशनी है वो दिखती रहती है, और इस तरीके से इसे इस वजह से कहा गया प्रकाश स्तंभ। कहाँ का? भूमध्य सागर का, क्योंकि ये जो सागर है इसका नाम है भूमध्य सागर। इसके अलावा बहुत ज्यादा पतला है। एक चीज इसका ये भी ध्यान रखना कि ये हवाई जो है, ये हवाई वोल्केनो जो होता है, इसमें पॉइंट मिस हो गया कि जो हवाई वोल्केनो होता है इसमें क्या था कि जब इरप्शन हुआ तो इसमें जो था कि जो लावा था बहुत ज्यादा हल्का था, ठीक है, पतला था, हल्का था, ठीक है, जब वो उड़ा, जब इरप्शन हुआ आकाश में गया तो उससे डेंस एयर थी, जब एयर पर आया तो एयर ने उसे रोका, अब वो जल रहा है, एयर ने उसे रोका, वो धीरे धीरे जब वो इस तरीके से उतर के आ रहा है लावा, तो वो देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी के बालों में से अग्नि निकल रही हो, बालों में से अग्नि निकल रही हो, जिसे बोला गया गॉडेस ऑफ फायर, जिसे बोला गया गॉडेस ऑफ फायर, जिसे क्या बोला गया गॉडेस ऑफ फायर, या फिर हिंदी में बोलेंगे अग्नि देवी के केस, जिसे अग्नि देवी के केस गॉडेस ऑफ फायर बोला गया, ठीक है, ये इसका था हवाई का। इसका भी हो गया इसका। अब देखते हैं दरारी वाले, दरारी उद्भेदन का क्या हिसाब है। दरारी उद्भेदन का जो हिसाब है वो ये है, जैसे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये ऊपर जाके टकराया, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जब ये जाके टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ, जब हिमालय का निर्माण हुआ उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक इरप्शन हुआ, वोल्केनो इरप्शन। दरारी मतलब ऐसे चटक जाए, चटक चटका था, उसमें से लावा निकल गया, कुछ इधर बहा, कुछ इधर बहा, कुछ इधर बहा, कुछ इधर बहा, पतला लावा था तो इसने एक परत जैसी बना ली। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डक्कन पार्ट है इसे बोला गया, जो लावा बना इसे इस वजह से बोल दिया गया डक्कन ट्रैप, क्योंकि इसके लावा जो था
ठंडा हो गया, यहाँ पे जम गया, इसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक सॉइल बनी। दक्षिण पार्ट में ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ किसकी वजह से? इसी लावा की मिट्टी की वजह से। ठीक है, जब इससे लावा बना, लावा निकला, लावा की वजह से हमें ब्लैक सॉइल बनी। ब्लैक सॉइल बनी तो वो किस किस के उत्पादन के लिए अच्छी होती है? चने के उत्पादन के लिए अच्छी होती है, कपास के मतलब कॉटन के उत्पादन के लिए अच्छी होती है, ये चीज आई। ठीक है, तो पूरा हो गया वोल्केनो। अगर आज हमने जो पढ़ा है वो मॉडल ऑफ इरप्शन, ये किस तरीके से इरप्शन होता है, इसमें सेंट्रल इरप्शन टाइप, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, इसमें पिलियन ज्वालामुखी, विषुवीय ज्वालामुखी, वोल्केनियन, हवाई और स्ट्रम्बोली के बारे में हमने चर्चा करी। फिर दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी के बारे में हमने चर्चा करी। पिलियन ज्वालामुखी जो थे इनका लावा बहुत ज्यादा गाढ़ा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक थी। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में 1883 में जो इरप्शन हुआ वो भी इसी टाइप का था। फिर आए विषुवीय ज्वालामुखी, जो विषुवीय वोल्केनो था वो भूमध्य सागर में था, इसके हिसाब से जो वोल्केनियन था इसके हिसाब से हो गया हवाई, स्ट्रम्बोली, और ये सब का हो गया फिनिश। तो आज हमने पढ़ा है उद्गार की प्रकृति के अनुसार। जो ये पिलियन टाइप का जो ज्वालामुखी था, जो पिलियन वोल्केनो था, वो जो है वो कैरेबियन कैरेबियन सी में एक मार्टिनिन करके आइलैंड है, इसके ऊपर है, तो ये उस वहां पे है ये वाला वोल्केनो पिलियन। ठीक है,